नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रावण सीएलसी सीकर से मैं आपको मिला रहा हूँ 2021 के मेरे उन तीन बेटों से जिनकी रैंक 3000 में है, जिनका स्कोर 656 प्लस है। ये तीनों बच्चे सीएलसी के साथ रहे, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे अनलॉक हो, साथ रहे सिस्टम के और एक अच्छा रिजल्ट आपने बनाया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, आप पढ़ना बताए बेटा अपना। राहुल बारेट लखनऊ तहसील से है, अजीत कुमार आप तारानगर चूरू डिस्ट्रिक्ट से है, राहुल चौधरी आप आप जयपुर से हैं, आप चूरू से, आप सीकर से, तीनों एडजोइनिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ हैं। आप सबके पेरेंट्स पूरे परिवार के लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं इनका परिवार, एक अच्छा कंपटीशन, मेडिकल का इंट्रेंस टेस्ट देश का एक अच्छा कंपटीशन है। गवर्नमेंट सीट पे, एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट पे एक सीट तोड़ना, एक सीट कब्जा करना बड़ी बात है। और ये तो केवल सीट पे नहीं, रैंक पे कब्जा किया है। तीनों बच्चे रैंक बिलो 3000 है, तीनों का स्कोर 656 से ऊपर है। ये बच्चे अपनी बात कहेंगे, इनके गार्जियन अपनी बात कहेंगे। बच्चों पे आए उसके पहले बात मैं कहूंगा गार्जियन के साथ, तो आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज अपना पूरा देते हो, प्रीति बच्चे का नाम बताते हो सब पूरा। जैसिया जी, मैं हरिराम बाग लक्ष्मणगढ़ से, मेरा बच्चा राहुल जो 660 अंक लिए हैं, इसमें पिछले साल 593 अंक आए थे, तो हमने BDS के लिए लगभग तय कर लिया था। तो हमारा भाई श्री राम मेहरा जो यहीं, उससे कहा कि एक बार आप बॉस से मिलना, तो मैंने कहा कि हम जो BDS तय कर लिया है कि आप बॉस से मिलना, तो बॉस से मिला। बॉस ने कहा कि यहाँ आने के बाद, इस परिसर में आने के बाद में बच्चा आपका नहीं रहता, हमारा भी बेटा है और मैं इसको डॉक्टर बना के भेजूंगा, आप कौन होते हो, उसको एक मौका और दिया जाए। और हमने उसी दिन तय कर लिया था। जब भी इसको ऐसा लगा तो बॉस के जो शब्द है उसको बार बार ऊर्जा दे रहे थे कि बॉस ने यह कह के भेजा है कि इस बार डॉक्टर बना के भेजूंगा। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी या हमारे जैसे बहुत से परिवारों की ऐसी कोई ऐसी नहीं थी जो कोटा पहुँच जाए, कल्पना नहीं करते। जब 94-96 में जब हम पढ़ते थे तो हमने सुना था कि सीकर में एक ऐसी संस्था है जो इससे कंपटीशन कर रही है, कौन सी, कोटा से। और मुझे भी ऐसा नहीं लगता था कि बच्चों का ये जो रुझान है कोटा का वो छूट जाएगा और हमारे सीकर में भी ऐसी कोई संस्था हो जाएगी। तो यानी घर बैठे गंगा आने जैसी, अगर सीकर में ऐसी संस्था नहीं होती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सीकर के जो लाखों डॉक्टर, मेरे गांव का ये पहला डॉक्टर है सर, पहला डॉक्टर है ये श्री राम बेटा है, और किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और दुर्भाग्य की बात ये है कि मेरे गांव के लोग बच्चे जो विदेश वगैरह जो गए थे, 5-10 लाख रुपये लगा के आज वो BSc कर रहे हैं, कोटा गए थे सर वो, और वो आज घर पे बैठे हैं। उनका भी लक्ष्य था, पैसे भी घुट गए, कोटा गया है। और हमने पहले ही तय कर दिया था, मेरी भांजी अंजू चांद जो 2 साल पहले यहाँ से सिलेक्ट हो गई थी, और अभी 2 बच्चे और है, रवि चांद है, एक धीरज चांद है, और मुझे उम्मीद है कि इस मंच पे मैं फिर आऊंगा, उनके विश्वास के आधार पे आऊंगा, मुझे यकीन है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि ये CLC परिवार, ये बॉस बहुत दीर्घायु हो, कि हमारे जैसे लोगों का उद्धार हो सके। जय CLC, जय भारत, जय। थैंक यू ब्रदर। ये वैसे मेरे गांव पड़ोस से, आप मेरे गांव के भी से 4-5 पोस्ट का 10 किलो डिस्टेंस है। ये देखो एक अच्छा परिवार, आपके चांद समाज के हमने खूब सिलेक्शन दिए। तो कोमल चांद बच्चा था, एक वो लड़का दिगेंद्र उसकी मोसी का लड़का, आपके बोलते हाँ वो तो वहीं के कहीं है। तो आपने एक बात रखी, अब मैं चाहूंगा कि हमारे अन्य गार्जियन पर बात करके प्लीज बात करते हैं, अपना नाम और बच्चे का नाम बता बात करते हैं। जी CLC, मेवाराम चौधरी, गाँव बोबास, राहुल चौधरी के पिता, जिला जयपुर। मैं CLC परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरे बड़े भाई साहब को भी बहुत बहुत देना चाहता हूँ जो यहाँ आज इस मुकाम पे हमने पहुँचाया है। ये लॉकडाउन के अंदर उनके पास रखे, कमरे के ऊपर रखे और 2 महीने तक बहुत पढ़ाई की है, ऑनलाइन पढ़ाई करके ये बच्चा आज इस मुकाम पे पहुँचा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर को दे आप भाई। नमस्कार सभी को, खास करके सरवण जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं CRPF से रिटायरमेंट हौलदार कृष्ण कुमार, मेरा लड़का अजीत कुमार अब की बार नीट में सिलेक्ट हुआ है और इससे पहले मेरा लड़का अमन कुमार NIT में CLC से ही सिलेक्ट हुआ है। तो मैं सरवण जी को फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय CLC, जय भारत। दो बच्चे हैं तो एक बच्चा NIT में, एक डॉक्टर, दोनों से बात है, क्या बात है। बहुत बहुत तो चलो, आपने देश की सेवा की, हम कुछ आपके काम आते हैं, हमारा सौभाग्य। अन्य हमारे भी गार्डन बोलना चाहेंगे, उसके बाद हम आप कुछ आ बेटा। जी CLC, थैंक यू। 2 लड़का, एक एडवांस जीमेन में हो गया है सिलेक्शन, एक नीट में हो गया, इतनी चाहती हूँ। थैंक यू। तो मैं कितनी खुशी होती है माँ को। अब मैं मेरे दादले बेटू को बताना चाहूंगा, आ बेटा अपनी बात पूछा। जी मेरा नाम राहुल बारेट, पिछले साल में नीट में 593 थे, अब की बार 660 है। मैं CLC के हॉस्टल में भी रहा हुआ हूँ
और जो मतलब सबसे बड़ा योगदान है वो सीएलसी टेक सीरीज का रहा है इसमें, और बस धन्यवाद। थैंक यू। अगले बालक पालक को दे माइक बेटा। जय सीएलसी। मैं पिछले साल मेरे 580 नंबर आए थे, और जब मैं पहले यहाँ पर ढंग से घर वालों के साथ रहता था तो यहाँ पढ़ाई का कंपटीशन का माहौल नहीं बनता था, तो फिर मैं बी बिल्डिंग हॉस्टल में आया, दो साल बी बिल्डिंग हॉस्टल में रहा तो मेरे 658 मार्क्स। थैंक यू। जय सीएलसी। मेरा नाम राहुल चौधरी, मैं जॉब नेट जयपुर से हूँ। अब कहते हैं सर हमारी, लेकिन 4 साल हो गए सीएलसी हॉस्टल में, 4 साल से पहली बार में स्वीकार करो कि हमने सिलेक्ट हुए, गलती हमारी थी। पहली बार में 263 थे, फिर 490, फिर 580 और अब 660 आए। तो बॉस को, सीएलसी को, पूरी फैकल्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो दोस्त रह गए कुछ नंबरों से वापस मिल गए अभी आके, और सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू। थैंक यू। जय जय सीएलसी। जय जय सीएलसी।